हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट, मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजीएस वे में। हमारे इस चैनल में हम लोग इकोनॉमिक्स बहुत आसान तरीके से सीखते हैं, हमारे लैंग्वेज में, हमें अपने लैंग्वेज में सीखते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि टोटल यूटिलिटी क्या है। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस में क्या डिफरेंस है। तो यूटिलिटी क्या था, वन सेटिस्फेक्शन पार्ट ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी क्या, दोनों सेम है। तो हम लोगों ने ये आंसर जाना था कि दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से अगर हम लोगों को यूटिलिटी मतलब हम लोगों की वांट सेटिस्फाई होता है तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने जाना था कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या है, दोनों डिफरेंट सेंस है, ठीक है। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, इट इज़ अ सम ऑफ द ऑल द यूटिलिटी विच इज डिराइव बाय द कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। मान लो किसी भी कमोडिटी के जब हम लोग सभी के सभी यूनिट्स को क्या कर लेते हैं, तो कंज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोगों का यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी। मतलब अगर मान लो कि तुम्हें भूख लगा, तुम्हें क्या लगा दोस्तों, भूख लगा, तो तुम लोगों ने ब्रेड खाया एक ब्रेड, फिर तुमने दो ब्रेड खाया। देखो फर्स्ट टाइम अगर पहला ब्रेड खाओगे तो क्या होगा, तुम लोग का सेटिस्फेक्शन, अभी तुम्हें बहुत जोर से भूख लगा है, क्या होगा, बहुत जोर से भूख लगा। अगर तुम फर्स्ट ब्रेड का टुकड़ा खाओगे तो तुम्हें क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, क्या होगा तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी कितना होगा, 50, कितना होगा दोस्तों, 50। अगर सेकेंड यूनिट खाओगे तो यूटिलिटी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तो यूटिलिटी कितना हो गया, 30 हो गया। टोटल यूटिलिटी का मतलब 50 + 30 कितना हो गया, 80 हो गया। फिर एक ब्रेड खाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, फिर एक ब्रेड का पीस खाओगे तो कितना होगा, 20। फिर टोटल यूटिलिटी 50, 30, 20 कितना हो गया, 100। फिर एक ब्रेड खाओगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे तुम ब्रेड खाओगे तो पहले के मुकाबले क्या होगा, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कम होने वाला है ना। पहले तुम खाओगे तो बहुत मजा आएगा कि हाँ अब मजा आ गया, फील आ गया, क्या हो गया, फील आ गया, हाँ, ठीक है। जैसे जैसे तुम ब्रेड का पीसेस खाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा पेट भरना स्टार्ट होगा और तुमको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कम होते जाएगा, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा होगा कि तुम अगर तुमको ब्रेड खाने का मन ही नहीं करेगा तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा। अगर तुम्हारे मुंह में अगर जबरदस्ती क्या होगा, ब्रेड ठोसा जाएगा, क्या होगा, अगर तुम्हें जबरदस्ती ब्रेड क्या होगा खिलाया जाएगा तो तुम क्या कर दोगे, उल्टी कर दोगे, तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से टोटल यूटिलिटी कैसे होता है, 50 + 30 = 80, 50 + 30 + 20 = 100, फिर 100 = 110, फिर 100, फिर क्या होगा, टोटल यूटिलिटी घटने लगेगा। मतलब यूटिलिटी को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। मतलब सम ऑफ ऑल यूटिलिटी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, U1 + U2 को प्लस कर देंगे प्लस UN, मतलब सबको प्लस करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी हम लोग का निकलते जाएगा। तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ UN, मतलब जितना भी आने वाला सबका समेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का, टोटल यूटिलिटी। मतलब 50 + 30 = 80, 50 + 30 + 20 = 100, 50 + 30 + 20 + 10 = 110, 110 + 0 = 110, फिर उसमें से 110 से -20 कर देंगे तो क्या जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल टोटल यूटिलिटी समझने का क्या है। अब देखो तुम अगर फर्स्ट टाइम अपने गर्लफ्रेंड को अपने बाइक के पीछे वाले सीट में बैठाओगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बहुत होगा, होगा ना। फिर सेकेंड टाइम बैठाओगे तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम होगा, क्योंकि पहला का बात ही अलग होता है, तो तुम ज्यादा जानते हो गए, ठीक है। फिर बैठाओगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगा, फिर बैठाओगे तो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें बाइक में बैठाने का मन नहीं करेगा, फिर तुम जबरदस्ती बाइक में बैठाओगे तो तुम्हें वो छोड़ के चली जाएगी, ऐसा होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल यूटिलिटी, क्या होता है दोस्तों, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी निकालने का तरीका, यूटिलिटी को प्लस करते जाओ, टोटल यूटिलिटी तुम लोग का निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये बहुत मस्त एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। ये इजी वे में समझने की कोशिश करना कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल बेनिफिट derived from the consuming one or more unit of a specific goods and services। देखो यूटिलिटी
कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि कोई भी चीज अगर तुम कंज्यूम करो ना उसे लगातार कंज्यूम करना पड़ेगा, तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ में आता है। जैसे कि तुम ब्रेड खा रहे हो ना तो कंटिन्यू ब्रेड को खाते जाओ तो यूटिलिटी समझ में आएगा। अगर बाइक में बैठा रहे हो तो कंटिन्यू बैठाते जाओ अपने गर्लफ्रेंड को तो यूटिलिटी समझ में आएगा, अदरवाइज यूटिलिटी समझ में नहीं आएगा। इसमें यह बोला हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है दोस्तों तुम लोगों को, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स द एडिशनल बेनिफिट derived from the consuming the one or more specified goods and services. Consuming units can be result positive, negative, zero and marginal utility. मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये समझना ठीक है कि जब तुम लोग फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किए तो तुम लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 50 था, एंड टोटल यूटिलिटी भी कितना होगा, 50 होगा। जब तुम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा ये तुम्हें कौन बताती है, मार्जिनल यूटिलिटी बताती है। मतलब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है तो ये तुम्हें कौन बताती है, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो क्या बताती है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल बेनिफिट, मतलब क्या एडिशनल बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमिंग द वन और मोर यूनिट ऑफ ए स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कंज्यूमिंग यूनिट कैन बी रिजल्ट। अब देखो तुम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे तो इसका रिजल्ट या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो हो जाएगा। अब समझना मेरा बात ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट अगर तुम कंज्यूम करोगे तो उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा होगा, मतलब तुम्हें सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा ज्यादा। अगर फर्स्ट आए हैं अपने गर्लफ्रेंड को बाइक में बिठाओगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रतिव लेवल में होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई होगा। जैसे तुम एडिशनल फिर एक बार उसे बाइक में बैठाते हो तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, जैसे तुम बैठाओगे कम होते जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें बाइक में बैठाने का मन नहीं करेगा, जीरो, और फिर बिठाओगे तो छोड़ के चली जाएगी तो नेगेटिव। मतलब अगर तुम ब्रेड का पहला पीस खाओगे तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा, फिर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, क्या यूनिट, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, घटेगा, फिर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे सेटिस्फेक्शन और घटेगा। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें ये बताती है दोस्तों कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है नहीं है, घट रहा है, ये तुम्हें बताती है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल से क्या कहना है दोस्तों, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, मतलब यूटिलिटी घटते जाता है। ये तो यूनिवर्सल बात है कि जैसे जैसे तुम अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम अगर कुछ खाते हो तो बहुत मजा आता है, फिर कम होते जाता है। उसी तरह देखो, वन में 50, टोटल यूटिलिटी 50, जैसे तुमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया और एक यूनिट तुमने कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, घट गया, क्या हो गया, मजा तुम्हारा घट गया और मार्जिन तुम्हारा टोटल यूटिलिटी 50+30, 80। फिर तुमने एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो कितना हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 20, मतलब और सेटिस्फेक्शन घट गया, फिर 100, ठीक है, सबको प्लस कर दोगे 100, फिर घटेगा, फिर एक टाइम में 0, फिर क्या होगा, नेगेटिव। ये होता है तुम्हारा कौन सा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी में क्या चेंजेस आया, ये होता है तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया ना तुम लोगों को, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, क्या है दोस्तों डेफिनेशन, देखो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमिंग वन और मोर यूनिट ऑफ ए स्पेसिफिक गुड्स एंड स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। कंज्यूमिंग यूनिट्स कैन बी रिजल्ट पॉजिटिव, देखो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यूटिलिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, यूटिलिटी कॉन्स्टेंट नहीं होता है, एंड एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम ऑफन द कंज्यूमर एक्सपीरियंस व्हाट इकोनॉमिक्स रेफर्ड एज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब भी हम लोग एडिशनल यूनिट करते हैं तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मतलब नीचे जाता है, वेयर ईच एडिशनल यूनिट एड लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जब एक यूनिट हम लोग कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी लेस 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 होते जाता है, ये होता है तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का तरीका क्या, देखो दो फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। एक होता है तुम्हारा MU, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN एंड TUN-1, मतलब ये तुम्हारा TUN-1 ऐड होगा TU, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा, हम लोगों का क्या निकल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा। 80 में से 30 के तो कितना हो गया 31, इस तरीके से हम लोग करके क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेंगे। और एक और फॉर्मूला है चेंज इन TU, TU में कितना से चेंजेस आया, देखो TU में कितना से चेंज आया, TU में चेंजेस आया 30 से, ठीक है। और चेंज इन क्यू, क्यू में कितना से चेंजेस आया, क्यू में चेंजेस आया 1 से, तो इसे भी डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा 30 ही निकल जाएगा। आइदर तुम इसे इस फॉर्मूला को यूज करो चाहे इस फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या बोलते हैं दोस्तों कि नीचे वाला से ऊपर वाला का माइनस करो तो मार्जिनल यूटिलिटी तुम लोगों का निकल जाएगा, या तो
इसमें कितना टीयू में कितना चेंज आया, टीयू में 30 का चेंज आया और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में 1 का चेंज आया। इसे भी कर दोगे तो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा दोस्तों, निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं फिर करके बताता हूँ एक बार, देखो फिर टीयू 100 में से मैं कितना घटाऊंगा, 100 में से 20 घटाऊंगा तो क्या निकलने वाला, 20, ठीक है। 100 में से 10 घटाऊंगा तो 10, 100 में से 100 जाएगा तो 0, 100 में से 90 जाएगा तो कितना होगा -20। तो आइधर तुम पीछे वाला से माइनस कर सकते हो, आइधर चेंज कितना हो रहा है टीयू में। तो देखो यहाँ में 80 से कितना हो गया 100, 20 का चेंज आया, यहाँ पे कितना का चेंज आया 1 से, तो 20 में डिवाइड कर दूंगा 1 से, तो मार्जिनलिटी कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कितना 100 से कितना हो गया 110, तो 10 यहाँ पे कितना चेंजेस आया 1 से, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव कर लेंगे। अब इसे हम लोग डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं, डायग्राम क्या बोलता है। देखो टोटल यूटिलिटी लगातार ऊपर जा रहा है ना दोस्तों, लगातार ऊपर जा रहा है। तो देखो ये है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, देखो लगातार कॉन्स्टेंट में ऊपर जा रहा है, फिर एक पीक पॉइंट होता है, इसका एक पीक पॉइंट है। देखो 100 क्या है, 110 एक पीक पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई क्या होगा टोटल यूटिलिटी, फिर टोटल यूटिलिटी क्या होगा दोस्तों गिरना स्टार्ट होगा, क्या होगा गिरना। तो देखो फिर से यहाँ से टोटल यूटिलिटी क्या हो गया दोस्तों, गिरना स्टार्ट हो गया। फिर से तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी पहले से क्या होता है गिरना स्टार्ट होता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर माइनस में कन्वर्ट। तो देखो ये तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा जीरो, फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा नेगेटिव। मतलब जब टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है दोस्तों जीरो। देखो टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट है तो मार्जिनल क्या है तुम्हारा जीरो है। देखो ये पॉइंट देख रहे हो ना, टोटल यूटिलिटी क्या है हाईएस्ट क्या है 110 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है जीरो है। जब टोटल यूटिलिटी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 110 है, तो यहाँ पे क्या है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, फिर क्या होगा टोटल यूटिलिटी देखो गिरना स्टार्ट हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एकदम इजी डायग्राम है ये, तुम लोग समझ में आया होगा तुम लोगों को। पहले क्या होगा टोटल यूटिलिटी ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी सबसे मैक्सिमम होने वाला है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा क्या होगा जीरो होगा, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा दोस्तों मैक्सिमम होने वाला है, याद रखना, ठीक है। फिर टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या हो सकता है टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मान लो एक कंपनी के तौर में सोचोगे कि मान लो कि मैं प्रोडक्शन यूनिट चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ मैं प्रोडक्शन कंपनी हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अगर मान लो एक बार अगर मान लो कि मेरा ग्राफ क्या हो गया नेगेटिव में चला गया कि मुझे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, क्या तुम बनाना स्टार्ट करोगे, तुम बनाना क्या कर दोगे बंद कर देने वाले, ठीक है। अगर मान लो कि तुमको मालूम है कि एडिशनल यूनिट खाने के बाद क्या होने वाला है, उल्टी होने वाला है, क्या होने वाला है, अगर मान लो तुमको मालूम है कि एडिशनल यूनिट अगर कंज्यूम करोगे तुमको क्या फायदा मिलने वाला नहीं है, मतलब क्या होना है तुम्हें उल्टी हो जाएगा, तो तुम क्या खाओगे क्या, इसलिए टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा नेगेटिव हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोगों का खत्म होता है। और इस जो क्लास में मैंने कराया है इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलता है हमारे नए वीडियो में जहां पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके रिगार्डिंग पढ़ाने वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप आज का वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज इस वीडियो को कमेंट को, अगर मान लो इस वीडियो को क्या करना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो।